पैसे लगाना तो पीएम केयर फंड से थे, वो केंद्र सरकार को लगाने थे, राज्य सरकारों को क्या जमीन देनी थी, सिर्फ लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहां से जो लोगों को पहले तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इकबाल जी पहले तो एक्सपोर्ट कर दी, एक साल में दुगना कर दिया एक्सपोर्ट, सारी बाहर भेज दी। तो हमारी प्राथमिकता चुनाव करवाना है कि आम आदमी की जान बचाना है। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने और इसकी रफ्तार धीमी करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और इसलिए मीडिया को सरकार से लगातार सवाल करते रहना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात संदीप चौधरी की करेंगे, जो कोरोना के वक्त लगातार जरूरी मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं और भाजपा नेताओं से तीखे सवाल भी कर रहे हैं। न्यूज 24 पर कोरोना के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने उंगली चुनाव आयोग पर उठाई और सरकार के नेता से सवाल किए, जिस पर नेता बात को टालते नजर आए, पर एंकर ने अपने तीखे सवालों में उन्हें घेर लिया। 83 अस्पताल रह गए पंचायत चुनाव, सरपंच, प्रधान, पार्षद, चेयरमैन चुनना बहुत जरूरी है, अभी वहां लंबी लंबी आज भी कतारें लगी। मैं उत्तर दे दूं? हाँ, देखिए, मैंने कहा चुनाव कराना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और एक ऐसी जरूरत है जिसको ना करें तो दिक्कत, करें तो दिक्कत। आज खुद मान लो जी, कानून मैंने भी पढ़ा है, अगर आपातकाल है, संकट काल है, आप मुलतवी कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आरपी सिंह, आप तो पत्रकार रहे हैं। अरे सर, उससे क्या, मैं आपको कानून की धारा बता देता हूँ कि कौन सी कानून की धारा कहती है कि आप चुनाव टाल नहीं सकते, आपको चुनाव टाल नहीं सकते, नहीं तो बिल्कुल ढाई ढाई तीन तीन चार चार साल आपने तो बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, नहीं हुए ना चुनाव? जो प्रक्रिया चालू हो चुकी है उसको उसको नहीं रोका गया? नहीं नहीं, चालू क्या, चालू क्यों कराई, 15 तारीख से हुए ना पंचायत चुनाव, तो मैं आपकी बात होगी पूरी, ये प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, चुनाव की प्रक्रिया उस दिन से नहीं चालू थी जिन चुनाव का वोट होता है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता से एंकर ने सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट ना लगाए जाने को लेकर कुछ तीखे सवाल किए, जिस पर नेता ने राज्य सरकार पर दोष लगाना शुरू कर दिया, पर एंकर ने उन्हें टोका और अपनी पार्टी को लेकर जवाब देने को कहा। आप एक प्लांट लगा, आप ये कह रही हैं पैसा दे दिया, इन्होंने प्लांट नहीं लगाए, आप ये कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं बात उसकी नहीं कर रही हूँ संदीप। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा हर डिबेट में एक बात कहती हूँ कि कोरोना वायरस ना तो क्षेत्र देखता है, ना जाति धर्म, ना राजनीति। पैसे दिए गए क्या? पैसे देने की जिम्मेदारी, पैसे लगाना तो पीएम केयर फंड से थे, वो केंद्र सरकार को लगाने थे, राज्य सरकारों को क्या जमीन देनी थी, सिर्फ लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, इसने जो ऑनलाइन टेंडर दिए थे, ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत फ्लोट किए गए थे, तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना? नहीं, जिम्मेवारी की जहां बात आती है, तो अगर केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है तो राज्य सरकार से भी पूछना चाहिए ना। मैं तो तीन उदाहरण दे रही हूं, पूछूंगा, पहले केंद्र सरकार का तो जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने टेंडर ऑनलाइन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? केंद्र सरकार ने ये पैसे देने थे, मुझे बोलने तो दीजिए। हां बोलिए। न्यूज 24 पर कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को फटकार लगाए जाने पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से कोरोना मरीजों को सहूलतें देने और कोर्ट की फटकार पर कुछ सवाल किए, जिस पर नेता बात को गोल घुमाते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सही से जवाब देने को कहा। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी लोगों के साथ काम कर रही है। अभी जैसे आप बोल रहे थे, सिंगापुर से इम्पोर्ट हो रही है ऑक्सीजन, वहां से जो लोगों को पहले तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इकबाल जी पहले तो एक्सपोर्ट कर दी, एक साल में दुगना कर दिया एक्सपोर्ट, सारी बाहर भेज दी। देखो सारी वैक्सीन बाहर भेज दी, रेमडेसिविर पे उसकी प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया और ताली बजाई गई, हम दुनिया को बचा रहे हैं, अपने घर में देखा नहीं, दिए तले अंधेरा हो रहा, अपने घर में भी जबरदस्त अंधेरा। नहीं, अंधेरा ऐसा नहीं है, जब सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी हर रोज बात कर रहे हैं और ऐसी भी बातें हुई है, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी से की बात भी वो मीडिया में आ गई, मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, हमें नहीं आनी चाहिए, काम करना चाहिए, प्रोटोकॉल में नहीं जा रहा हूं। कोरोना के केस 3 लाख के पार होने पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता से सरकार की तैयारी को लेकर सवाल किए, जिस पर नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगी, पर एंकर ने उन्हें टोका और उनके सवाल का जवाब देने को कहा। वो अगर आप मिनट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। देखिए, मैं आपको कितनी रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं बताओ, मुझे बोलने दे। पश्चिम बंगाल में,
छठे दौर का मतदान हो गया है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है, और जब एक असेंबली का एक स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वैक्यूम का स्पेस नहीं है संविधान में, वो कराना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कराना ही पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो की जो कार्यकारिता है उसको तो हमारी प्राथमिकता चुनाव करवाना है कि आम आदमी की जान बचाना है, बिल्कुल आम आदमी की जान बचाना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बहुत दिन पहले शुरुआत उसकी की थी और वो संवैधानिक तरीके से अपना काम करवा रही थी, उसके बारे में टिप्पणी देना मुझे लगता है नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग 1/10 काम भी नहीं कर रहा जो टीएन सेशन किया करते थे। संदीप लगातार जरूरी मुद्दों पर डिबेट करते दिखाई दे रहे हैं और भाजपा नेताओं से समस्याओं के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। हम मीडिया से यही उम्मीद करते हैं कि विदेश की समस्याओं को सामने रखे ताकि उनके समाधान ढूंढे जा सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।